अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक डिश टाइम। आज की मेरी रेसिपी है तंदूरी चिकन की रेसिपी, जो कि मैंने अपने बारबेक्यू ग्रिलर पर बनाई है। बहुत ही परफेक्ट सा इसका फ्लेवर और परफेक्ट सा इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही मैं इससे सेटिस्फाइड हुई हूँ। और हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है, अगर चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और वीडियो को पूरी देखें, बिल्कुल स्किप ना करें प्लीज़। चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ती हूँ और इसका प्रोसेस बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट मैरिनेशन कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट सारे लेग पीसेस पर स्प्रेड कर दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ किया है, नियरली 1/2 टीस्पून शायद हल्दी मैंने यूज़ की है इसमें, और 1 नींबू का जूस मैंने अच्छे से इस पर स्क्वीज कर दिया था और अच्छे से सारे मसालों को रब कर दिया था इस पर। अब इसको हम नियरली 1 to 1.5 आवर ऐसे ही क्लिंग रैप से रैप करके छोड़ देंगे फर्स्ट मैरिनेशन के लिए। इसको रेफ्रिजरेट में 1.5 आवर के लिए रख छोड़ूंगी। सेकेंड मैरिनेशन का प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून फ्रेश कर्ड लिया है। हंग कर्ड है ये, बिल्कुल भी वाटर नहीं है इसमें। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून नियरली सॉल्ट के लिए है, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर के लिए है और 1.5 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी के लिए है। अच्छे से सारे मसालों को कर्ड के साथ मिक्स कर दूंगी और यहाँ पर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया। चाहे तो इस पॉइंट पर आप फिर से लेमन जूस को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया था। तो अच्छे से सारे मसालों को फिर से हम रब कर देंगे हमारे चिकन पर और फिर इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए छोड़ दूँगी। 2 टीस्पून यहाँ पर फुल मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लिए थे, शायद बताना भूल गई स्टार्टिंग में। तो सारे मसालों को मिक्स करके मैं अच्छी तरह से अब यहाँ पर रब कर रही हूँ। देखिए आप, तो आप उसके स्लिट्स के अंदर भी अच्छे से लगाएं ताकि अच्छा सा अंदर तक ये फ्लेवरफुल बने। तो ग्रिलर को ऑन कर दिया है मैंने, मिनिमम पर रखा इसको मैंने पहले 1 से 2 मिनट तक। जैसे ही ये हीट इसकी बढ़ गई, मैंने इस पर अच्छे से मेल्टेड बटर को ग्रीस कर दिया सारे ग्रिलर पर। और बटर को हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे, उसके बाद हम इस पर जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है रख देंगे। और हीट को मैंने 2 पर रख दिया था क्योंकि फिर ये अंदर तक भी पकना है, तो उसको मैंने स्लो पर ही रखा। अब इसको 5 पर कर सकते हैं इसकी हीट, और ये सेल्फ कंट्रोल है बारबेक्यू ग्रिलर, तो जैसे ही ये ओवर हीट होता है खुद ब खुद ही इसकी हीट एडजस्ट हो जाती है और ये लो पर खुद ही चला जाता है जब ज़रूरत होती, तो हमको उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बहुत ही परफेक्ट सा फ्लेवर आया था और बहुत ही परफेक्ट ये बने थे। ये बहुत ही लेस ऑयल में प्रिपेयर हुआ है, मैं बस थोड़ा सा इस पर ऑयल स्प्रे करती जा रही थी जब रिक्वायर्ड हो रहा था, कि मुझे लग रहा था कि ऑयल स्प्रे करना है इस पर।
तो आप ब्रश की हेल्प से भी इस पर बटर या ऑयल जो भी है आप इस पर कर सकते हैं। तो मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है, बटर भी यूज़ किया है मैंने और ऑयल भी। तो देखिए मैं यहाँ पर स्प्रे करती जा रही हूँ, जब भी रिक्वायर्ड है तो मुझे बस यहाँ हाफ एन आवर लगा है इसको प्रिपेयर करने में। तो देखें ये बस ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बहुत ही टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहा है। तो बस अब इसको सर्व कर देती हूँ मैं, और आई रिकमेंड कि ये हर किचन में होना चाहिए। बिल्कुल भी इसमें से स्मोक भी ज़्यादा नहीं निकलती है और बिल्कुल ये परफेक्ट है ग्रिलिंग के लिए। तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।